फरिश्तों पर ईमान। अब फरिश्तों पर ईमान कैसा रखना, यह देखिए। फरिश्तों पर ईमान यानी सबसे पहले इस बात का इकरार करना कि कुरान में और हदीस में फरिश्तों के जो नाम और फरिश्तों की जो क्वालिटीज, फरिश्तों की जो कुछ सिफात बयान की गई है उस पर ईमान ला लेना। बस फरिश्ते पर वाले हैं, पर वाले हैं। फरिश्ते नाफरमान नहीं होते, नाफरमान नहीं होते। ये बात अहादीस में चंद बातें मिली जो पांच आपके सामने रखूं। सबसे पहली बात यह कि यकीन रखना कि अल्लाह सुबहाना तआला ने फरिश्तों को नूर से पैदा किया है। किससे पैदा किया है? नूर से। वो नूर कैसा है? ये इल्मे गैब की बात है। अब वो ने खोदना, वो ने खोदना, नूर से पैदा किया। दूसरा, मुख्तलिफ फरिश्तों को अल्लाह तआला ने मुख्तलिफ काम के लिए पैदा किया, यानी हर फरिश्ते का अलग अलग काम होता। मलिकुल मौत है, मौत के फरिश्ते। सूर फूकने वाले फरिश्ते हैं, उलमा इकराम ने कहा जो सूर फूकने वाले फरिश्ते हैं उनको अल्लाह ताला ने सिर्फ सूर फूकने के लिए पैदा किया। जब से पैदा करे उनको, उस दिन से लेके आज तक, और उस दिन से लेके जब तक के कयामत का हुक्म अल्लाह की तरफ से नहीं हो जाता, इसराफील अपने हाथ में सूर लेके है। और उलमा ने कहा मुंह के पास सूर है और सांस भी लेके है। कुल के हुक्म के इंतजार में फूको, बस फूक मार देना, इतना ही काम है। सांस लेके तक इसराफील सलाम इंतजार में, उनको वही काम के लिए भी तैयार किया गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अंबिया पर वही पहुंचाना, ऐसे काम करते इस तरह। तीसरा, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को अल्लाह ताला की इताअत की पूरी कुव्वत अता करती। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं फरिश्ते नाफरमानी नहीं करते, जैसे अल्लाह कहता है वैसे ही करते। बाज लोग कहते हैं शैतान बहुत बड़ा फरिश्ता था इसलिए शैतानों में था, इसलिए जो सो फरिश्तों में अल्लाह ताला बैठा दिए। शैतान कोई फरिश्ता नहीं था, इसलिए कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाए फरिश्तों की सिफात यह है कि अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। अगर शैतान फरिश्ता है तो नाफरमानी कर लिया तो ये आयत को आप गलत बोलेंगे? नहीं। अल्लाह ताला सूरह काहफ आयत नंबर 50 में फरमाते हैं इबलीस जिन्नों में से था, वो जिन था, लेकिन अल्लाह ताला मर्तबा बता के उसको फरिश्तों में खड़ा है तो जो सो अकड़ गया, अकड़ बताया, फिर नीचे भिजा दी। चौथी जो फरिश्तों को व्यवहार रखना है, कुरान और हदीस में जो कुछ भी सिफात, जो कुछ भी काम, जो कुछ भी इनके नाम बताए गए हैं सब पर ईमान लाना, ये ऐसे ही हैं। ये फरिश्तों पर ईमान की चार बातें। पहले उनके ऊपर ईमान लाना कि वो नूर के हैं, वो अल्लाह की नाफरमान नहीं होते, उनके अलग अलग काम के लिए अलग अलग फरिश्ते हैं, और उसके बाद जो कुछ उनकी सिफात हैं सब पर ईमान लाना। ये मुख्तसर है।